स्वागत है बच्चों जीडी जेम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस नेक्स्ट 11th चैप्टर आवर नीड फॉर एयर। यहां पर जो 12 है वो गलती से लिखा है, एक्चुअली ये 12th चैप्टर नहीं है, ये आपका 11th चैप्टर है, जहां पे हम क्या एयर के बारे में पढ़ने वाले। एयर क्या होता है, हमारी हमें एयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ हम इस लेसन में पढ़ने वाले। तो ये 12 है, इसे अवॉइड करो गलती से, एक्चुअली में ये 11 था। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछा गया कैन यू टेल, यानी कि क्या आप बता सकते हो। तो अब आपको पूछा बोला गया अ रिडल टू सॉल्व, यानी कि यहाँ पे आपको एक रिडल यानी कि एक पहेली दी गई है। तो यहाँ पे बोला गया ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इन टू इट। अब देखो जब आप बलून को फुलाते हो तो आप उसमें क्या डालते हो, एयर डालते हो, है ना। आप क्या करते हो, बलून को ऐसे करते हो, फिर एयर डालते हो और बलून क्या होने लगता है, ब्लो होने लगता है। देयर समथिंग देयर इट हैज टू बी इट इज टू बी फाउंड अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड, यू कांट टच इट, यू कांट सी इट, बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वहाँ पे कुछ तो है जो ऊपर भी है नीचे, जिसे आप देख नहीं सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते हो, लेकिन श्योर आप उसका नेम बता सकते हो। तो वो क्या होता है, वो एयर होता है, यानी कि हवा। आप अगर बलून को ब्लो करते हो तो आप उसमें क्या डालते हो, एयर डालते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया ट्राई दिस, तो यहाँ पे आपको बोला गया ब्लो अ बलून, व्हाट डिड यू फिल इन टू इट। वापस आपको क्या करना है, बलून को ब्लो करना है, एंड देन आपको यहाँ पर पूछा गया कि आप उसके अंदर फील क्या करते हो, तो आप वहाँ पे फील क्या करते हो, एयर को फील करते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया एयर, अब एयर क्या होता है, तो यहाँ पर बोला गया देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, यानी कि जो एयर होता है वो हमारे चारों तरफ होता है। तो दो वी कैन फील इट, वी कैन नॉट सी इट, एयर डज नॉट हैव कलर स्मेल और टेस्ट। जैसे कि एयर, एयर यानी कि हवा हो गया, तो हम उसे फील कर सकते हैं बट हम उसे देख नहीं सकते। और एयर के पास क्या क्या नहीं होते, तो एयर के पास कलर नहीं होती है, ना ही स्मेल होती है और ना ही टेस्ट होती है। तो एयर एयर के पास क्या क्या नहीं होगी, तो वो हो गया कलर स्मेल एंड टेस्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया न्यू टर्म्स, यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स है वो तो पहला है यहाँ पे इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, दैट इज इनहेलेशन, यानी कि जो हम सांस लेते नोज के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सहेलेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू द नोज, दैट इज एक्सहेलेशन, यानी कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो इनहेलेशन था, और जब हम एयर को बाहर निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीथिंग, वी ब्रीथ कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इन दोनों चीज को, ये दोनों चीजें होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। और जब हम ब्रीथ, हम लोग ब्रीथ सांस कैसे लेते हैं, कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दोनों प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इन दोनों प्रोसेस को ब्रीथिंग बोला जाएगा। ब्रीथिंग हम कंटिन्यूअसली करते हैं, इसी की वजह से इसे क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे तीन न्यू टर्म्स है जो कि क्या आते हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड रेस्पिरेशन। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वाई डू वी ब्रीथ, यानी कि हम सांस क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज, व्हेन वी ब्रीथ इन वी टेक एयर इन टू आवर बॉडी। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि हम अगर हमारे बॉडी को अच्छे से फंक्शन करना है तो क्या हमें क्या उसके लिए क्या चाहिए रहेगी, एयर की जरूरत पड़ती है। और जब हम ब्रीथ इन करते, जब हम हवा एयर को अंदर लेते, तो हम क्या करते, एयर को अपने बॉडी में लेते। एयर मेक अस फील फ्रेश एंड लाइवली, एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द वाइगर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। और एयर एयर हमें क्या करता है, वो हमें फ्रेश फील करता है, और एयर की वजह से हमें वो सारी जो सारी चीज़ें मिलती है जो किस लिए नेसेसरी होती है, तो हमारे बॉडी को प्रॉपरली काम करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत रहती है वो एयर की से मिलती है। देन नेक्स्ट लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर, If we look carefully, we can see a dog's chest also going up and down. It tells us that animals also breathe. अब आपको बोला गया जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है सांस लेने की, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप carefully, अगर आप किसी डॉग के चेस्ट को देखोगे तो आप देखोगे उनका चेस्ट क्या अप एंड डाउन हो रहा है, जिससे हमें क्या पता चलता है,
कि एनिमल्स भी क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, यानी कि वो भी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस उनके अंदर भी होता है। तो यहाँ पे एयर किस लिए नेसेसरी होता है, हमारी बॉडी को फंक्शन करना है अच्छे से, नीड जरूरत होती है हमारी, और उसी पर्पस के लिए हम क्या करते हैं एयर को, और जब हम ब्रीथ करते तो फिर क्या होता है एयर हमारे बॉडी में अंदर अंदर जाता है, और फिर एयर हमें फ्रेश और लाइवली फील कराता है। और एयर नेसेसरी किस लिए रहता है हमारी बॉडी में, तो ताकि हमें वो सारी एनर्जी मिल सके जो कि किस लिए जरूरत होती है, काम बराबर से करने के लिए। एंड देन नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि क्या एयर सिर्फ हमारे लिए जरूरी है या एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एयर हमारे हमसे लेके और बाकी के और भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए भी जरूरी है। और वहाँ पे आपको एग्जांपल किसको दिया था, तो डॉग का दिया था। अगर आप डॉग के चेस्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा वो कैसे ब्रीथ कर ले। देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डू यू नो, अब डू यू नो में आपको क्या पूछा गया, फिश लिव इन वाटर, इट मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ। अब देखो फिश जो रहती है वो वाटर में रहती है, अब सबको लगता है कि मछली जो है पानी में रह रही है तो वो ब्रीथ कैसे ले रही होगी, सब सोचते होंगे कैसे ब्रीथ ले रही होगी। तो वो ऐसा होता है, बट फिश आर एबल टू यूज द एयर दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, फिश कैसे सांस लेती है, फिश जो पानी में डिसॉल्व एयर रहता है उसकी मदद से वो ब्रीथ कर पाती। Some people keep fish in a glass fish tank. It is called an aquarium. अब देखो कुछ लोगों के घर पे अगर आप गए रहोगे या कुछ लोगों के घर पे फिश हम देखते हैं कि फिश उन्होंने रखी है, तो वो किस में रखते हैं, ग्लास लाइक टैंक में, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वारियम बोलते हैं। इट इज ऑलवेज फुल ऑफ वाटर, द फिश इन द एक्वारियम यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीथिंग। अब वो जो मछलियाँ होती है वो सांस कैसे लेती है, तो वो जो एक्वारियम में जो एयर डिजॉल्व रहता है उसी को यूज़ करती है क्या करने के लिए, सांस लेने के लिए। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन द वाटर कैन गेट रिड्यूस, इफ ऑल द एयर वॉज यूज अप द फिश वुल डाई। अब देखो जो पानी जो हवा उसमें डिजॉल्व तरीके में वो खत्म भी होगा क्योंकि वो ब्रीथ कर रही है। अब अगर पूरा हवा खत्म हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देयर फोर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वारियम, दैट इज वाई वी सी एयर बबल्स राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच फिश टैंक। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो लोग कंटिन्यूसली ब्रीथ कर पाए और शॉर्टेज ना हो डिजॉल्व एयर की, इसके लिए क्या किया जाता है, एयर को कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है एक्वारियम में, और इसी की वजह से हमें वहाँ पे जो बबल्स होते हैं वो दिखाई देते, और इसी के तरह जो फिश टैंक्स में फिश रहती है उन्हें रखा जाता है। तो ये हो गया आपके फिश टैंक का, फिश कैसे रहती है, वो ब्रीथ कैसे करती है, तो वो क्या यूज़ करती है, डिजॉल्व एयर यूज़ करती है। फिर जो एक्वारियम में फिश हम रखे रहते हैं उनका एयर ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सपोर्ट देते हैं उनको आपके एयर का। तो ये हो गया आपका एक्वारियम। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला गया ट्राई दिस। अब यहाँ पे ट्राई दिस में है क्या, टेक अ ग्लास मोर देन हाफ फुल ऑफ क्लीन वाटर। अब आपको एक ग्लास लेना है जो कि हाफ फिल हो किससे, क्लीन वाटर से। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अ न्यूज़पेपर शीट, रोल इट टू मेक अ स्ट्रॉ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आपको एक पेपर लेना है, उसको रोल करना है, और क्या बनाना है आपको, एक स्ट्रॉ बनानी है जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, जैसे कि ये बना रहे हैं। देन नेक्स्ट डिप वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ इन टू द वाटर। अब आपको क्या करना है, एक जो कोना रहेगा उसे वाटर में डिप करना है यहाँ पे, और एक जैसा आप देख रहे हो वही करना होगा। थ्रू द अदर एंड ब्लो इनटू इट विद योर माउथ, व्हाट डू यू सी। और फिर आपको क्या करना है, मुझे वहाँ पे हवा फेंकना है जैसे ये कर रहा है, तो फिर आप क्या देखोगे, बबल्स राइज अप इन द एयर, व्हाट डज दिस टेल अस, यू ब्लू एयर इनटू द वाटर, दिस एयर रोज अप एंड एस्केप्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल। अब आपने क्या किया, एयर को आपने पानी में ब्लू किया, तो ये क्या हुआ, एयर वहाँ पे ऊपर आया और वो किस तरह से बाहर निकला, तो वो बबल के फॉर्म में वहां से बाहर निकला। तो ये हो गया आपके बबल्स के कैसे होते, तो ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। आप पानी लो, आधा ग्लास भरा हुआ पानी लो, एक स्ट्रॉ लो, एयर को ब्लो करो, देन आपको ये पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड, ये चैप्टर जो था बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जहाँ पे कुछ नहीं, एयर की नीड क्या होती है वो, तो एयर सांस लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसी के लिए हमें एयर को पल्यूट भी नहीं करना चाहिए। एयर पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि वो कम हो जाए, जितना ज़्यादा अगर ट्री हम लगा पा रहे तो हमें लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट वी हैव लर्नड, यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो देयर इज एयर एवरीवेयर, एयर जो है वो हर जगह है, वी कैन नॉट सी इट विथ आवर आईज, और जो एयर है हम उसे देख नहीं सकते, बट एयर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट डे एयर डज नॉट हैव कलर स्मेल और टेस्ट. एयर के पास कोई कलर स्मेल और टेस्ट नहीं होती है. लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन. लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वो आपके रेस्पिरेशन के लिए जरूरत पड़ती है. देन नेक्स्ट डे ऑलवेज रिमेंबर. अब यहाँ पर क्या है ऑलवेज रिमेंबर क्या? तो यहाँ पे आपको पूछा गया एवरी डे वन मस्ट स्पेंड सम टाइम प्लेइंग इन एन ओपन प्ले ग्राउंड टू गेट फ्रेश एयर. अब देखो हर लोगों को कभी थोड़ा जो टाइम है वो ओपन प्ले ग्राउंड में स्पेंड करना चाहिए ताकि फ्रेश एयर लग जाए. हर तब घर पे बैठे रहोगे वो अच्छा नहीं होता है. थोड़ा समय बाहर निकल कर फ्रेश एयर लेनी चाहिए. देन नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज. अब हम क्या देखेंगे इस लेसन के एक्सरसाइज को यहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है सबसे पहले व्हाट इज द सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है इन अ क्राउडेड प्लेस समवन इज फीलिंग सफोकेटेड दैट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. अब देखो एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला प्लेस है वहाँ पे किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है सफोकेट हो रहा है सांस लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही है. तो उसे क्या करना चाहिए? देखो कुछ भी हो जो अगर उसे सफोकेटेड फील हो रहा है तो उसे वहां से बाहर जाके किसी ओपन ग्राउंड में फ्रेश एयर लेना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप व्हेन समवन इज फीलिंग सफोकेटेड ही और शी शुड बी टेकन टू सम ओपन प्लेस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर. अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो पहला है एज डैश गोज ऑन कंटीन्यूअसली अ स्लीपिंग मैन चेस्ट कैन बी सीन गोइंग अप एंड डाउन. देखो जब हम सांस लेते तो जो हमारा चेस्ट होता है वो ऊपर जाता है फिर जब सांस छोड़ देते हम रिलैक्स होते हैं. तो इसके लिए यहाँ पे पहले क्या आएगा एज ब्रीथिंग. यहाँ पे आंसर क्या आएगा ब्रीदिंग. तो ये देखो ब्रीदिंग है यहाँ पे फर्स्ट वन गैंस. देन नेक्स्ट है देयर इज डैश स्प्रेड ऑल अराउंड अस. हमारे आजू बाजू क्या स्प्रेड है हमने क्या पढ़ा यहाँ पे एयर. सेकंड का आंसर क्या है एयर. देन नेक्स्ट है लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डैश फॉर एयर नीड. हमारी तरह हर एक लिविंग थिंग को नीड है किसकी तो एयर की. तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स. इसे आप लिख कर रख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो. अब क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर. देन नेक्स्ट यहाँ पर अब क्या है सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब जो क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर लिखना है. तो पहला यहाँ पे व्हाट डू यू फील इन टू अ बलून व्हेन यू ब्लो इट. आप बलून में क्या फील करते हो जब आप उसे ब्लो करते हो? तो आपने पढ़ा आप क्या फील करते हो एयर फील करते हो. आंसर क्या लिखोगे व्हेन वी ब्लो अ बलून वी फील एयर इन टू इट. आप क्या करते हैं एयर उसमें डालते थे. नेक्स्ट है वाई डू वी नीड एयर. हमें एयर की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें ब्रीथ करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है. वी नीड एयर टू ब्रीथ इन सो डैट अवर बॉडी कैन एग्जीक्यूट टू फंक्शन प्रॉपरली. ब्रीथ करें ताकि हमारा बॉडी जो है वो अच्छे से फंक्शन कर पाए. देन नेक्स्ट है हाउ डू यू नो दैट अ डॉग ऑल्सो ब्रीथ. अब आपको पता कैसे चलेगा कि डॉग भी ब्रीथ करता है? अगर आप डॉग को देखोगे तो जो उसका चेस्ट है वो अप एंड डाउन होता है इससे पता चलता है कि डॉग जो है वो ब्रीथ कर रहा है. तो इसका आप क्या लिखोगे व्हेन अ डॉग ब्रीथ्स इट्स चेस्ट गोज अप एंड डाउन. सो वी से that a dog also breathe. Then next है for what does a cat need air. अब cat को क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे हमने देखा कि हर एक living things को air की जरूरत पड़ती है breathe करने के लिए. तो वैसे ही cat भी क्या है living thing है तो उसे भी air की जरूरत पड़ती है breathe करने के लिए. यहाँ पर आप क्या लिखोगे cat need air to breathe in for functioning properly of its body. उसकी body में function बराबर हो इसलिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है air की जरूरत पड़ती है. देन नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑल कैन सी एयर और ऑल कैन सी एयर ऑल अराउंड अस. यानी कि क्या सारे लोग एयर को देख सकते हैं? तो जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने देखा था एयर हम नहीं देख सकते ना ही उनके पास कोई कलर होता है ना टेस्ट होता है ना कुछ. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे फॉल्स. देन नेक्स्ट है फिश यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग. फिश क्या यूज करता है ब्रीथिंग के लिए? तो वो डिजॉल्व एयर होता था. तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा. तो यहाँ पे आप ये ट्रू लिख दोगे. तो इसी के साथ क्या हुआ डी ट्रू और फॉल्स भी यहाँ पर हो गया. और इसी के साथ ये जो लेसन था वो भी यहाँ पर खत्म होता है जहाँ पर आपने क्या देखा एयर के बारे में देखा है. नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखा था इसके एक्सरसाइज को. आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.